आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 कवर कर रहे हैं हम। इसका हमने पार्ट वन पहले ही देखा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था हमने। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। दूसरी चीज़, आपको गीवन क्या है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जीरोज नहीं है। हमको क्या लगता है, दो वैल्यूज दी है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू है और जीरोज है। नहीं, ये जो है सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन आता है ना, जो कल करा मैंने पिछले वीडियो में कराया और जो आज करा रही हूँ वो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या बोला है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर वो आने के बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वहाँ पे उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। हमको सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम और क्या निकालना है हमको, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या करेंगे, आपको जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो लेट कर लेना है। तो लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। एंड जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा उसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमको 1/4 और -1, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, उसका यूज़ करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे देखो, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जीरो ज़रा गंदा हो गया, देखो ये कितना है हमारे पास 1/4 और ये कितना है -1। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसको ध्यान से समझो क्या करना है। सबसे पहला काम, हमको ये जो a दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, दोनों के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आता है, a आता है। तो हम क्या करेंगे, इनके भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। पर यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। पहले देखना है कि दोनों में से किस में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इसमें 4 दिया है तो आप इसमें भी 4 बना लिख लोगे, ठीक है, अपनी तरफ से। तो ये 4 हुआ तो ये भी 4 लिख लो, ठीक। आगे बाद में बताती हूँ, पहले आप यहाँ लिखो मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर रहे हैं। किसी एक में दिया हुआ है तो दूसरे में भी वही डिनोमिनेटर लिख देना है। बाय चांस दोनों में नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, 1/1 होगा, ठीक है। और अगर और कोई तीसरा केस बनता है तो वो मैं बता दूंगी जिस क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 4/4, तो अब आपको a की वैल्यू तो मिल गई, 4 है, b की निकालना है। b की कैसे निकालोगे, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो आप क्या करो, इस 1 को ऐसे स्प्लिट करो कि आप इसको -b के फॉर्मेट में चेंज कर सको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं 1 को लिख सकती हूँ --1। अब अच्छे से देखो आप, -(-+1) भी हो गया और हमको ये -b के फॉर्म में भी मिल गया, -b मिल गया और b की वैल्यू -1 मिल गई, ठीक है। तो यही आपको यहाँ करना था, ध्यान से करना है, यहाँ मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। साल भर में बच्चों को पढ़ा रही थी फिर भी हो रही थी। देखो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, यहाँ पे हमारा 4 तो लिख दिया हमने, अब हमको ये जो c की वैल्यू है ऊपर उसको क्या करना है कि सी की वैल्यू निकल जाए और इसकी वैल्यू में चेंजेस भी ना आए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस था तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ा था, वैसे यहाँ माइनस है तो इसको लिख दिया। अब मैं यहाँ ऐसा नंबर लिखूँगी जिससे, मतलब सॉल्व करने पर मुझे -1 ही मिलना चाहिए, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब अच्छे से देखो, इस 4 को 4 से कैंसिल किया तो 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, -1। वैल्यू में चेंजेस नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। ए की वैल्यू सेम मिल गई, ठीक है, और सी की वैल्यू भी हमको यहाँ पे मिल गई। तो यही हमको करना है। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, तो हमको ए बी सी तीनों वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे लिख देना है हियर ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू -4, ठीक है। तीनों वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे,
क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखेंगे। देखो पी एक्स जो हमने यहाँ लेट किया था ना, यही वाला, तो इसको यहाँ पे लिख देना है, क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको लिखवा रही हूँ, आप इसको शॉर्टकट में सीधे पॉलीनोमियल लिख सकते हैं, अभी समझ लो पहले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रख दो 4x² प्लस बी की वैल्यू -1x प्लस सी की वैल्यू -4। जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है उस वैल्यू को। अब क्या हो जाएगा 4x² प्लस इंटू माइनस माइनस, और कभी भी अगर किसी वेरिएबल के सामने 1 है तो उस 1 को लिखते नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट x लिखेंगे, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 4। हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट डाल लेना है, दस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये जो आया है वही, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। बहुत धीरे धीरे सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को, होमवर्क है आपका। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। बाकी अब जो है 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.3 वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।